मॉडल टाउन के छत्रसाल स्टेडियम के अंदर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक कर्मचारी कई महीने से वेतन न मिलने के चलते आत्महत्या करने के लिए पोल पर चढ़ गया। जोश नाम का यह कर्मचारी पिछले कई सालों से छत्रसाल स्टेडियम के अंदर चपरासी का काम कर रहा था और जानकारी के अनुसार पिछले 22 महीने से उसकी सैलरी नहीं दी जा रही है। इस बात की शिकायत को लेकर कई बार यह कर्मचारी अरविंद केजरीवाल के पास भी जा चुका है, कई अधिकारियों से मुलाकात की, अपने मेहनताने के लिए कई जगहों के चक्कर भी काटे। लाख कोशिशों के बावजूद भी जोश को उसका मेहनताना नहीं दिया जा रहा था। आखिरकार आर्थिक तंगी से परेशान होकर खुदकुशी करने के लिए यह कर्मचारी छत्रसाल स्टेडियम के अंदर लगी हाई मास्क लाइट के पोल पर चढ़ गया। कई घंटों से उसे नीचे उतारने की जद्दोजहद जारी थी, लेकिन वह पोल से पूरी तरीके से चिपका हुआ था। ना तो वो खुद नीचे आ रहा था, साथ ही उसका कहना था कि यदि किसी ने उसको नीचे उतारने की कोशिश की तो वो ऊपर से ही कूद जाएगा। छत्रसाल स्टेडियम के बाहर लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। जैसे ही लोगों को मालूम हुआ कि कोई व्यक्ति पोल पर चढ़ा हुआ है तो लोग वहां रुक रुक कर देखने लग गए। देखते ही देखते छत्रसाल स्टेडियम के बाहर भीड़ जमा हो गई। लगभग 6 घंटे की मशक्कत के बाद जोश को नीचे उतारा गया। मैं भी किसी काम से आया हुआ था यहाँ पे छत्रसाल स्टेडियम, तो ये सारे गेट्स इन्होंने बंद करे हैं, 4A 4C। तो जब 4C पे पहुँचे ना तो पता लगा कि कोई बंदा ऊपर चढ़ा हुआ है। इन्हीं के अंदर के स्टाफ के बंदे ने बताया, कोई अरुण था आई थिंक सो, तो उसने बताया कि जी आपका यहाँ पे अभी एंट्री नहीं है, कहीं भी 2-3 घंटे के लिए इमरजेंसी है और कोई यहाँ पे खुदकुशी कर रहा है। तो आप देख भी सकते हैं पीछे मेरे, बिल्कुल देखें आप, ऊपर चढ़ा हुआ बंदा है। और मैंने अभी इसमें PCR कॉल करके पुलिस बुलाई और एम्बुलेंस भी आने वाली है, बट मुझे ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये जो सिस्टम का टैकलिंग करने का तरीका है ना, तंत्र का, वो बिल्कुल थर्ड ग्रेड है। यहाँ पे नीचे एम्बुलेंस वो आई हुई है, फायर ब्रिगेड, पर फायर ब्रिगेड उस आदमी को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही। नीचे नेटिंग वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ लगानी चाहिए कि वो गिर जाए तो कम से कम उसे बचाया जा सके।